नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरी किशोर और स्वागत है आपका मेरे चैनल किशोर टेक एंड टॉक पर। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ कि अगर आपको जियो पे सिम है और उससे कॉल नहीं लग रहा है तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो। या दोस्तों कई बार होता है कि आपका सिम में नेट चलता रहता है लेकिन कॉल नहीं लग पाता है, ये छोटा मोटा बग होता है, तो आज इसी को फिक्स करना मैं सिखाऊंगा। जैसे कि मान लो आपने अभी कॉल लगाया लेकिन जस्ट अगली बार से जैसे ही कॉल लगा रहे हो तो बीप का साउंड आता है और कॉल कट हो जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटा भी दबा दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्त इसमें एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें आपको बताया है कि जियो के सिम से कॉल नहीं लगता तो आप कैसे ठीक कर सकते हो। तो दोस्तों वो वीडियो में मैंने ये तो बताया था कि अगर जियो के सिम में वल्टी लिखा हुआ आप अगर नहीं शो कर रहा है तो कॉल नहीं लगेगा, और मैंने बताया भी है कि वल्टी कैसे आएगा। जैसे कि आप मान लो सिम की सेटिंग में जाते हो और वहाँ पे एक वल्टी ऑन ऑफ का ऑप्शन होता है, उसको अगर ऑफ है तो ऑन कर देते हो तो वल्टी लिखा आ जाता है आपके फोन में और आपका कॉल लगने लगता है। लेकिन अगर मान लो कि कई ऐसे सारे फोन हैं जो सस्ते आते हैं, या मान लो कि आप कई दूसरे कंपनी का फोन यूज करते हो, मान लो सैमसंग, MI, Xiaomi, ये सब में तो वल्टी ऑन ऑफ करने का ऑप्शन रहता है, वीवो और कई सारे फोन है जिसमें ऑन ऑफ करने का सिस्टम होता है। लेकिन कई ऐसे फोन भी मैंने देखा है जिसमें अगर आप जियो का सिम जैसे ही लगाते हो तो उसमें वल्टी लिखा तो आ जाता है लेकिन अंदर सेटिंग में कोई ऐसा फीचर नहीं दिया रहता है जिससे कि वल्टी ऑन ऑफ किया जा सके। अगर ऐसे में आपके फोन से वल्टी गायब हो जाता है तो आप कैसे ला सकते हो, और आपका वल्टी अगर आपका लिखा नहीं आ रहा है तो आपके फोन से नेट तो चलेगा लेकिन कॉल नहीं लगेगी। तो दोस्तों जिस फोन में मान लो सेटिंग में वल्टी फीचर ऑन ऑफ करने का ऑप्शन नहीं आता, उसके लिए मैं बताता हूं कि आप कैसे ऑन ऑफ वल्टी अगर आपके शो नहीं हो रहा है आपके नेटवर्क के साइड में तो आप कैसे ला सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अगर वल्टी आपके सेटिंग्स में नहीं दिख रहा है तो आपको सिंपल सा प्रोसेस करना है कि आप एक बार अपने फोन को स्विच ऑफ कर दो और जस्ट 2 मिनट ऑफ रहने दो और उसके बाद ऑन करो तो हो सकता है वल्टी आ जाए। अगर जिसमें ऑन ऑफ का सुविधा वल्टी का दिया है उस फोन में भी कई बार ऐसा होता है कि ऑन वल्टी गायब हो जाता है जबकि वल्टी ऑन है, तो उसमें भी आप ये कर सकते हो कि 2 मिनट के लिए अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दो और उसके बाद ऑन करो तो आपका मोबाइल है वो जो वल्टी लिखा आ जाएगा। ऐसे में अगर मान लो जिसमें अगर वल्टी लिखा नहीं आता उसको अगर इससे भी नहीं आया तो आप एक बार अपने मोबाइल का सिम को निकाल दो, रिमूव कर दो, फिर सिम को लगाओ तो ऐसे में भी हो सकता है आपका वल्टी आ जाए। अगर ऐसे भी नहीं आता तो दोस्तों आपको अपने फोन को फ्लाइट मोड में 2-3 मिनट तक रखने हैं, उसके बाद खुद वल्टी लिखा हुआ आ जाता है। इतना 3 स्टेप्स मैंने बता दिए, इसी में आपका रेजुलेशन हो जाएगा। अगर नहीं हो पाता है तो एक और स्टेप मैं बता देता हूँ, सिम को ऑफ कर दो जिसमें जियो की सिम लगी है, जिस स्लॉट में SIM 1 चाहे 2 में लगा हुआ है तो सिम को ऑफ कर दो और ऑन कर दो, ऐसे में आपका जो वल्टी लिखा हुआ है वो वापस आ जाएगा और आपके सिम से कॉल लगने लगेगी। दोस्तों अगर इससे भी नहीं होता तो एक और ट्रिक मैं बता देता हूँ कि आप नेटवर्क को रिसर्च करो, नेटवर्क सर्च करके फिर से नेटवर्क को एक्टिवेट करो तो आपका वल्टी लिखा हुआ, इतने 5 स्टेप्स मैंने बताया, इसमें आपका एक न एक स्टेप से रिजोल्यूशन हो जाएगा। तो दोस्तों आशा है मैंने जो बताया वो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।